नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज मोहन और आपको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है साल का पहला दिन 1 जनवरी 2023 और आज काफ़ी शुभ दिन है, तो काफ़ी अच्छी जगह से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं जीवदानी, ये जो मंदिर जो कि विरार में है, मैं आया हूँ आज यहाँ पे और दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं इस मंदिर में और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। दिखाता हूँ आपको मंदिर का व्यू, आप लोग बने रहें दोस्तों वीडियो में। तो गाइस यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट है, देख सकते हैं आप, इसकी सीढ़ियाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं इस मंदिर में जाने तक। और मेन बात ये है कि यार यहाँ पे भी बलिदान प्रथा का चालू है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बलिदान उस तरफ होता है करके, उस तरफ खाना वाना लंगर इंगर बन रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे भी बलिदान कॉमनली होता ही है और यहाँ पे भी दोस्तों बलिदान की प्रथा है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर की साइड को। और तो दोस्तों चलते हैं ऊपर को और काफ़ी ऊपर पहाड़ पे हमको जाना है। और आप देख सकते हैं कितने सारे, बहुत सारी पब्लिक यहाँ से आ रही है दर्शन करके, क्योंकि आज ना स्पेशल दिन है आज का, 1 जनवरी यानी कि साल का पहला दिन है, जिस वजह से काफ़ी सारी पब्लिक गई हुई है मंदिर में। देखते हैं शायद हमारा नंबर 2 घंटे 4 घंटे बाद आए। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे, कुछ अंगूठी वगैरह की दुकान लगाई है। तो गाइस हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर को, तो यहाँ पे ये अम्मा बैठी हुई है, इनके 2-3 बच्चे हैं और यह है एक प्यारी सी गुड़िया। क्या नाम है आपका? काजल। काजल आप इधर ही रहते हो? नहीं, साईनाथ। साईनाथ से इधर आते हो आप? हाँ। तो यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं दोस्तों। और स्कूल नहीं जाते हो क्या आप? नहीं। उनको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो आप? स्कूल बंद हो गया। तो चलते हैं दोस्तों इसी के साथ ऊपर को, सही दिख रहा है। तो भाई साहब हम आ चुके हैं, आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हमको दिख रहा है दोस्तों बहुत बड़ा पहाड़ और काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है। फिर भी चलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अच्छी जगहें होती है ना उन तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना जरूरी है, त्याग तो वस्या उसी को बोलते हैं। तो फटाफट से चलते हैं। जय हो बजरंगबली। और यहाँ पे दोस्तों बजरंगबली और इस साइड का व्यू, चेक दिस आउट। और हम आधा पहाड़ लगभग चढ़ चुके हैं दोस्तों। हाँ, तो गाइस शूज और चप्पल यहाँ पे खोल दिए हमने और अब यहाँ से नंगे पाँव ही जाना है, क्योंकि मंदिर में आए हैं तो नंगे पाँव जाओ मंदिर में। तो चलते हैं दोस्तों नंगे पाँव। तो गाइस यहाँ पे अगरबत्ती अगरबत्ती का शॉप वेब सब है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है अभी। आप देख सकते हैं एक रास्ता इधर से भी है, हम दूसरे रास्ते से आए तो यहाँ पे सारे पब्लिक मिल चुकी है आपस में, इस वजह से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भीड़ चालू हो गई है और कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं। अरे भाई साहब पब्लिक देखे दोस्तों, आगे पीछे सारे, मतलब ना अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत कम लोग थे जो आ रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं वो जो दूसरा वाला रास्ता है ना वहाँ से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा लाइन का सामना करना पड़ने वाला है दर्शन के लिए, काफ़ी लंबी लाइन लगने वाली है। Yeah!
तो यह है इच्छा पूर्ति बाद इसे कान में अपनी ख्वाहिश बोलनी पड़ती है। गाइस दर्शन जितना हो सकता था मैंने आपको करा दिया है, लेकिन लिटरली बताओ ना दोस्तों, इतनी भीड़ आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं लोगों के बीच में पिस जैसा गया था, मतलब बीच में ना एक हिसाब से मैं बाहर ना इधर हिल सकता है ना उधर हिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों उसके अंदर। और एक व्यू दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और आप लोग बने रहे वीडियो में। तो गाइस ये है विरार, भले काफ़ी ज़्यादा धुंध लगी आज इस वजह से कुछ दिख नहीं रहे। और ये था आपका जीवदानी मंदिर और यहाँ पे कुल्फियाँ मिल रही है, कुल्फी लेते हैं फटाक से निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। ये था आज का ब्लॉग जीवदानी माता के मंदिर का, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से जो अंदर के कर्मचारी थे उन लोग का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था पब्लिक के बीच में, और वो मतलब दिखा नहीं पाया क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे थे बताया, तुम्हारा कैमरा छीन लेंगे, तुम्हारा फ़ोन छीन लेंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो अभी हम उतर रहे हैं पहाड़ से नीचे की तरफ को, और मिलता हूँ आपको जल्द अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अब खुश रहे दोस्तों, राम राम।